कि अगर वक्ती जरूरत के लिए, वक्ती जरूरत के लिए अपने किसी जाती तकाजे के लिए फिरौन से माल मुस्तार ले भी लिया, मैं बहुत जरूरी बदस कर रहा कि अगर अपने वक्ती किसी तकाजे के लिए फिरौन से माल ले भी लिया और इसके बाद फिरौन गर्क हो गया, ये माल बनी इसराइल के पास रह गया। बहुत तवज्जो से बात सुनना, ये माल बनी इसराइल के पास रह गया और ख्याल था कि वापस करेंगे, लेकिन ये माल बनी इसराइल के पास रह गया फिरौन के गर्क होने के बाद। बनी इसराइल की गुमराही का जो सबब बना है, ये वो मांगा माल था जिसको एक शादी के लिए वक्ती तौर पर बतौर कर्ज के लिया था। बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूं, बतौर कर्ज लिया था। एक जरूरत पेश आ गई है, ये जरूरत के लिए हमें फिरौन से माल चाहिए। ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, एक छोटी सी मिसाल, जहां मुसलमान ये समझे कि मेरे सारे मसाइल का हल माल में, हुक्काम में, कायनात की बनी हुई शक्लों में है, वहां ये कितना गुमराही की तरफ जाएगा और वहां ये कितना अमाल से दूर हटेगा। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको समझाने के लिए, इसको मुतनब्बे करने के लिए इसकी तिजारत में नुकसान लाएंगे, इसके जमींदारे में सैलाब लाएंगे, इसके सरमायदारी के नक्शों में नुकसान लाएंगे, इसके समाज में मुश्किलात पैदा करेंगे, इसके जिस्म में बीमारियां लाएंगे, ये इन सारे मसाइल में भी यही सोचेगा कि जिस तरफ से हालात आ रहे हैं उसी तरफ इसका हल है। मैंने एक मिसाल दी है, कि जहां सिर्फ एक शादी की जरूरत के लिए कर्ज लिया, एक शादी की जरूरत के लिए कर्ज लिया, वहां अल्लाह ने दिखला दिया कि बनी इसराइल की अक्सरियत के बछड़े की इबादत पर जमा होने का जो असल सबब बना है, ये वो माल है जो माल बतौर कर्ज लिया गया था फिरौनियों से बनी इसराइल में एक शादी करने के लिए। ये मैंने एक मिसाल दी है कि अगर तुमने अपने मसाइल का हल बाहर की शक्लों में तलाश किया या गैरों के माल में तलाश किया, तो ये माल गुमराही का सबब बनेगा। ये मैंने एक मिसाल अर्ज की है, जहां मुसलमान ये समझे कि मेरे सारे मसाइल का हल ही माल में है और मेरे सारे मसाइल का हल ही गैरों के हाथ में है, वहां मुसलमान गुमराही से कैसे बच सकेगा। सुनो, ये तो वो माल था जो वापस करना था और रह गया। कुरान ने खोल के बयान किया इसको, कि बनी इसराइल की गुमराही का सबब वो माल बना है जो माल एक शादी के लिए मुस्तार बतौर कर्ज लिया गया था, वापस करना था, लेकिन वो वापस नहीं हो सका। ये मैंने एक मिसाल दी है, इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, सबसे अहम बुनियादी बात यह है कि मुसलमान छोटे से छोटे मसले का हल और छोटे से छोटी परेशानी का सबब वो अपनी बदन से निकलने वाले आमाल में तलाश करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इतना सिखलाया था कि अगर छोटी सी कोई बात पेश आती थी तो फौरन अपनी बदअमली की तरफ नजर जाती थी। एक सहाबी है,
उनकी नजर पड़ी एक औरत पर। जैसे औरत पर नजर पड़ी, औरत ने कहा इस्लाम आ गया है। क्या मतलब इस्लाम आ गया? ये नहीं कहा पर्दे का हुक्म आ गया, ये नहीं कहा पर्दे का हुक्म आ गया, कहा इस्लाम आ गया। इसलिए कि वहां इस्लाम, इस्लाम के तमाम अहकाम का नाम इस्लाम था, तमाम इस्लाम के तमाम जुजियात, तमाम अहकाम, चाहे वो माशरे की लाइन का हो, इबादत की लाइन का हो, मामलात की लाइन का हो, अखलाक की लाइन का हो, न कहा इस्लाम आ गया।